हेलो फ्रेंड्स, सो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक ऐसा ऐप, एक ऐसा जेन्युइन ऐप जो कि आप अगर एजेंट हैं तो आपके लिए भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, और अगर आप कस्टमर हैं सो आपके लिए भी वो यूज़फुल होने वाला है। यानी कि एक ऐसा मोबाइल ऐप जिसे कि कस्टमर और एक LIC एजेंट दोनों ही यूज़ कर सकते हैं एंड दोनों के लिए वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। सो आशा करता हूँ आप पूरी वीडियो देखेंगे और जानेंगे कि आप क्या क्या बेनिफिट्स इस ऐप के थ्रू ले सकते हैं। सो गाइस, मेरा नाम है दीपक कुमार प्रसाद और मैं LIC ऑफ इंडिया में एडवाइज़र हूँ, और मैं अपने वीडियोस के थ्रू ये उम्मीद करता हूँ, ये कोशिश करता हूँ कि आप सभी LIC एडवाइजर्स एंड कस्टमर के लिए हेल्पफुल कंटेंट में दे सकूँ। सो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे पोस्टर पे, यहाँ पे लिखा हुआ है किसी भी LIC पॉलिसी का स्टेटस जाने। जी हाँ, राइट, आप सही सुन रहे हैं, आप किसी भी LIC पॉलिसी का स्टेटस जान सकते हैं, शर्ते कि कुछ इन्फॉर्मेशन उस पॉलिसी के रिगार्डिंग आपके पास हो। इसमें सिर्फ एक मोबाइल ऐप से पाए सारी डिटेल्स, जैसे कि पॉलिसी का स्टेटस, पेमेंट का स्टेटस, रिवाइवल अमाउंट अगर आपकी पॉलिसी लैप्स हो गई है और आपको अगर रिवाइव करना है तो कितना अमाउंट देना होगा, ये सारी डिटेल मिल जाएंगी। मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा भी कि कैसे आप रिवाइवल अमाउंट चेक कर सकते हैं। पॉलिसी का डॉक्यूमेंट, जी हाँ, जब आप पॉलिसी आपको ही सबमिट करते हैं तो आपके DO से आपको पॉलिसी का डॉक्यूमेंट मिलता है, वो डॉक्यूमेंट भी अगर आप चाहें तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखा दूँगा। कस्टमर की डिटेल्स आप अपडेट कर सकते हैं, जैसे कि कुछ अगर बैंक अकाउंट डिटेल चेंज करनी हो या फिर कुछ बेसिक डिटेल्स हो, प्रीमियम सर्टिफिकेट्स और भी बहुत कुछ है इसमें। सो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस ऐप का नाम, एंड जब आप ऐप को देखेंगे तो बहुत सारे लोग ये खुद ही अज्यूम कर लेंगे कि बिल्कुल वो तो इस ऐप से फेमिलियर थे, बट उसका यूज़ कैसे करना है वो उन्हें पता नहीं कि हाँ वो हमारे एजेंट के लिए भी और कस्टमर के लिए दोनों के लिए ही यूज़फुल कैसे हो सकता है। सो दोस्तों, जिस ऐप की मैं बात कर रहा हूँ उस ऐप को एक्चुअली बनाया है LIC ऑफ इंडिया ने ही, यानी वो LIC ऑफ इंडिया का ही ऐप है, लेकिन वो ऐप स्पेशली बनाया गया है LIC ऑफ इंडिया के कस्टमर के लिए, राइट? सो अब आप कहेंगे LIC ऑफ इंडिया कस्टमर का ऐप है तो एजेंट्स कैसे यूज़ करेंगे? सो LIC ने एजेंट्स के लिए भी एक ऐप बनाया है, बट उसके लिए आपके पास उसकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड होनी चाहिए, जो कि सारे एजेंट्स के पास नहीं होते। तो मैं आप सबको बताऊँगा कि LIC कस्टमर ऐप को आप एज अ एजेंट कैसे यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप कस्टमर हैं तो आपके लिए कैसे बेनिफिशियल। सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यह है हमारा LIC ऑफ इंडिया कस्टमर। अगर आप किसी भी पॉलिसी का स्टेटस जानना चाहते हैं, या फिर अगर आप कस्टमर हैं आप अपनी पॉलिसी का स्टेटस जानना चाहते हैं, अगर आप LIC एजेंट हैं आप किसी और भी पॉलिसी का स्टेटस जानना चाहते हैं, तो आपके पास कुछ डिटेल्स होनी चाहिए, जैसे कि क्योंकि वो रिक्वायर्ड होती है रजिस्ट्रेशन के लिए। यहाँ पे जैसे कि आप देख पाएंगे लिखा हुआ है न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन। सो न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन के लिए आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आपको पॉलिसी नंबर पता होना चाहिए, उनका इंस्टॉलमेंट पता होना चाहिए, और वो भी इंस्टॉलमेंट विदाउट टैक्स। यानी कि आपने देखा होगा जब भी आप पेमेंट करते हैं जो स्लिप मिलती है उसमें एक अमाउंट लिखा होता है, प्रीमियम, GST यानी टैक्स लिखा होता है, और फिर टोटल अमाउंट लिखा होता है, तो आपको विदाउट टैक्स वाला अमाउंट यहाँ पे फिल करना है। फिर पॉलिसी होल्डर का डेट ऑफ बर्थ डालना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पैन नंबर, ये डिटेल्स चाहिए उनकी, और उसके बाद आप प्रोसीड करेंगे तो आपका यहाँ पे आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। बस ये बेसिक डिटेल आपको फिल करनी है। मैंने अपनी डिटेल फिल कर रखी है, मैं बस आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ कि आप क्या क्या इसमें देख सकते हैं। सो अब हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया, अब रजिस्टर्ड पोर्टल यूजर्स इस पर क्लिक करेंगे। जैसे कि मैं अपनी आईडी यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ, पासवर्ड मैंने अपना एंटर कर लिया एंड अपना डेट ऑफ बर्थ। अब आप देखिए यहाँ पे ये लॉगिन हो गया। अब मैं आपको जो जो इम्पोर्टेंट पेजेस हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे सेल्फ पॉलिसी, यानी कि आपकी अगर कोई पॉलिसी है उसकी डिटेल दिख जाएंगे।
मेरी एक पॉलिसी है जो कि मैंने पॉलिसी ले रखी है, बट वो अभी रिवाइवल में है और मैं इसलिए आपको वीडियो बना के शो कर रहा हूँ कि रिवाइवल कभी कैसे चेक कर सकते हैं। सो अगर आप कस्टमर हैं, LIC एजेंट है, तो ऐसे ही आप लॉगिन करके पॉलिसी की डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसके नाम पे पॉलिसी है, क्या प्रीमियम है, पॉलिसी नंबर क्या है, कब से ड्यू है प्रीमियम, राइट। आपके नाम पे अगर बहुत सारी पॉलिसी है तो ऑल पॉलिसीज जाएंगे, आपकी सारी पॉलिसीज दिख जाएंगी। तो ये तो होगी आपकी पॉलिसी डिटेल। देन अगर आपके स्पाउस की पॉलिसी है या बच्चे के नाम पे ले रखी है पॉलिसी, तो ये सारी डिटेल यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। उसके बाद अगर आप LIC के किसी प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं नो आवर प्रोडक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करके। यहाँ पे सारे ही प्रोडक्ट की लिस्ट डाउनलोड हो जाएंगे और आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अभी मेरा इंटरनेट स्लो है इसलिए ओपन हो नहीं रहा। नेक्स्ट है बेसिक सर्विस, जो कि सबसे ज़्यादा यूजफुल होने वाली है आप लोगों के लिए, बिकॉज इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप एज अ LIC एजेंट और कस्टमर दोनों के लिए ही यूज़फुल होने वाली है। सो बेसिक सर्विसेज में मैं दिखाऊंगा आपको ऑनलाइन पेमेंट रिसिप्ट, जो भी आपने पेमेंट करी है उसकी अगर आपको रिसिप्ट चाहिए तो आप यहाँ से रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हैं। आप ईयर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे कौन सा आपको रिसिप्ट चाहिए, एडवांस प्रीमियम या कौन सा चाहिए, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद ऑप्शन है प्रीमियम कैलेंडर, यानी कब कब आपको पेमेंट करना है वो पूरे मंथ वाइज आपको यहाँ पे दिखा देगा कि किस किस मंथ में आपको पेमेंट करना है। और यहाँ पे लिंक भी होगा, आप चेक करके पे भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास शो कर रहा है। देन पॉलिसी स्केड्यूल, पॉलिसी स्केड्यूल में आप देख सकते हैं अपने पॉलिसी का डॉक्यूमेंट, जो कि मैंने आपको बताया था जब भी आप कोई पॉलिसी लेते हैं आपको DO के थ्रू एक डॉक्यूमेंट मिलता है, वो डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये डाउनलोड का ऑप्शन है, मैं क्लिक करके दिखाता हूँ। आप देखिए मैंने क्लिक किया, अब यहाँ पे डाउनलोड होगा पॉलिसी। डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है, डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे आप एंड क्लिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये है पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स जो कि आपके DO के द्वारा आपको मिलता है जब भी आप कोई पॉलिसी कंप्लीट करते हैं। ये मेरे पॉलिसी का डॉक्यूमेंट्स है। सो इस तरह से आप ये पॉलिसी का डॉक्यूमेंट भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट बेनिफिट। सो नेक्स्ट बेनिफिट इसमें आता है कोई नई पॉलिसी ऐड करनी है, अगर आपकी फैमिली में किसी की है तो आप ऐड कर सकते हैं। क्लेम स्टेटस, अगर आपने क्लेम के लिए अप्लाई किया तो आप यहाँ से स्टेटस जान सकते हैं। लोन के लिए अप्लाई किया है, लोन स्टेटस जान सकते हैं। पॉलिसी प्रीमियम पेड स्टेटमेंट, अगर आपको पूरी स्टेटमेंट चाहिए जब जब आपने प्रीमियम पेड किया वो आप निकाल सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि है रिवाइवल कोटेशन, अब रिवाइवल कोटेशन जैसे मेरी पॉलिसी अभी है लेफ्ट साइड, तो आप पॉलिसी नंबर दिखेंगे इस पर क्लिक करेंगे, जो ये रेडियो बटन का ऑप्शन है इस पर टिक करेंगे, पूरी डिटेल आ जाएगी। देखिए जैसे प्लान नंबर ये है मेरा, 22 दिसंबर को लास्ट मैंने प्रीमियम मतलब पे नहीं किया था, तो उसके बाद से मेरी इंस्टॉलमेंट 7 जो कि ड्यू है और टोटल प्रीमियम मेरा 7021 का है, लेट पेमेंट चार्ज इतना है और टोटल मुझे पे करना है 7186। और कब तक ये वैलिड है ये भी यहाँ पे आप डेट देख सकते हैं। सो ये सबसे यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है, आप इसे डाउनलोड करके अपने क्लाइंट को भेज भी सकते हैं, ये डाउनलोड का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। उसके बाद ये इंडिविजुअल पेंशन पॉलिसी, इसकी इतनी यूज़ नहीं है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इस सेक्शन में है आप वो देख सकते हैं, ये पेमेंट रिसिप्ट, पॉलिसी स्टेटस, क्लेम स्टेटस, लोन स्टेटस एंड रिवाइवल कोटेशन। उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट का भी ऑप्शन है यहाँ पे थर्ड, आप यहाँ से प्रीमियम पे कर सकते हैं, चाहे वो रिन्यूअल हो, रिवाइवल हो, एडवांस प्रीमियम हो, टॉपअप हो, हर तरह के प्रीमियम आप यहाँ से पे कर सकते हैं। देन सर्विस रिक्वेस्ट, जैसे कि मैंने बोला अगर आपको कुछ मॉडिफाई करना हो तो आप क्लिक करके अपना जो भी सर्विस है, जैसे एड्रेस चेंज, चेंज ऑफ मोड, NEFT, पैन डेटा रजिस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें, चेंज ऑफ एड्रेस, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, ये आप रिक्वेस्ट दे सकते हैं। रिक्वेस्ट देने के बाद आपका रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगा एंड उसको फिर ट्रैक कर सकते हैं यहाँ से, दूसरा ऑप्शन से। सो ये भी बहुत यूज़फुल सर्विस है, आपको अपने ब्रांच ऑफिस भी विजिट नहीं करना पड़ेगा, आप मोबाइल ऐप से ही सारी सर्विसेज कर सकते हैं। MPIN का ऑप्शन है, इस पोर्टल पे लॉगिन करने के लिए ID पासवर्ड के बदले आपको MPIN यहाँ से मिल जाएगा, 4 डिजिट का आप पिन जनरेट कर सकते हैं जिससे आप लॉगिन आसानी से कर सकते हैं। प्रोफाइल मैनेजमेंट, अगर आपको प्रोफाइल में कुछ चेंजेस करनी है, पासवर्ड चेंज करनी है, प्रोफाइल अपडेट करनी है, तो यहाँ से आप प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद
जो ऑप्शन है एक जेनरिक सर्विसेज। सो जेनरिक सर्विसेज में बेसिक इन्फॉर्मेशन लाइक प्रीमियम कैलकुलेट करना हो, डॉक्टर लोकेटर आपको देखना हो, ऑफिस अपनी एल आई सी की देखनी हो, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। ये भी काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके लिए। एंड देन डैशबोर्ड। सो डैशबोर्ड में सिंपली आपको दिख जाएंगे आपके कितने पॉलिसीज हैं, टोटल सम इश्योर्ड क्या है, ये सारी चीज़ें आपको डैशबोर्ड में दिख जाएंगी। सो ये हमारा एल आई सी कस्टमर ऐप है। आई होप आपके लिए यूज़फुल होगा एंड बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। बस आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे कि मैंने बताया लॉगिन के लिए चाहिए होगी, वो इन्फॉर्मेशन आप कस्टमर से लेके आप यहाँ पे लॉगिन करिए और सारी डिटेल्स उन्हें चेक करके आप बता सकते हैं, या फिर आप अपने क्लाइंट और कस्टमर्स को भी ये असिस्ट कर सकते हैं कि आप ये ऐप डाउनलोड करके रखिए और इससे सारी चीज़ें आप खुद कर दीजिए। इससे ये होगा कि आपको सर्विसिंग के लिए अपना टाइम ज़्यादा नहीं देना होगा एंड कस्टमर सारी चीज़ें खुद ही कर सकते हैं अपने ऐप पे खुद से ही। सो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ इसको लाइक करिए और बाकी अपने जितने भी LIC एजेंट्स आते हैं उनको आप फॉरवर्ड करें। थैंक यू।